thank you नमस्कार दोस्तों स्टडी विथ समस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है और घटना चक्र जनरल साइंस की सीरीज़ में बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री का, का द इंड हो गया है और अब बायोलॉजी शुरू है तो बायोलॉजी का ये दूसरा लेक्चर है बच्चों जिसमें टॉपिक जो है टैक्सोनॉमी कवर किया जाएगा तो सबसे पहले जो टैक्सोनॉमी वर्ड है बच्चों वट इज द मीनिंग ऑफ टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है तो टेक्सोनॉमी इज ए सिस्टम फारनेमिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स स्पेशली प्लांट्स एंड एनिमल इन टू ग्रुप्स दैट से सिमिलर वॉल्टेज तो क्या कह रहे बच्चो टेक्सोनामी बच्चों system for naming for naming system for naming and organizing organizing things especially plants and animal plants and Animal plants and animals into groups, into groups, into groups that share similar qualities, that share similar qualities. ठीक ना बच्चों सिमिलर वाल्टिज कहने का, का मतलब कि टैक्सोनॉमी में बच्चों जिस विभाजन किया जाता है कहने का, का मतलब इतने है, इतने है कि, कि इतने प्लांट्स हैं इतने एनिमल्स हैं किसको प्लांट के अंतर्गत रखा जाए कितने किसको एनिमल के अंतर्गत रखा जाए ये सब चीज़ जो है बच्चों टैक्सोनॉमी में किया जाता है तो जो चीज़ सिमिलर आप देखते हैं कि भाई हम लोग कहते हैं कि ये सब चीज प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स हैं, ये फंजाई है ये ये फलान ठेकान ये वायरस है तो ये सब चीज जो बच्चों टैक्सोनॉमी में इसका अध्ययन किया जाता है और तो चलिए आगे बढ़ने से पहले टैक्सोनॉमी का डिफिनेशन बहुत जरूरी था बच्चों ठीक है ना तो चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं आ, क्या क्या कह रहा है बायोलॉजिस्ट नोन so इसको इरेज कर देते हैं क्या कर करें बायोलॉजिस्ट है नोन फाउंड एंड आइडेंटिफाइड ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स द लार्जेस्ट फाउंड एंड आइडेंटिफाइड सो फार इज का मतलब दी किसकी संख्या बहुत सबसे ज्यादा है बच्चों इन टर्म्स ऑफ नंबर द लार्जेस्ट फाउंड एंड आइडेंटिफाइड सो फार इज फ्राम एमंग तो बच्चों आपको बताना है कि किसकी संख्या जो बच्चों सबसे ज्यादा है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है बच्चों फादर ऑफ बच्चों कार्ल लिनियस को कहा जाता है कार्ल लीनियस. ए ई यू एस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बच्चों कार्ल लिनियस को कहा जाता है और जो विटेकर का बच्चों क्लासिफिकेशन था विटेकर जो एक विटेकर बच्चों उन्होंने पांच वर्गों में विभाजित किया फाइव किंगडम जो आता है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ फाइव किंगडम फाइव किंगडम का जो कंसेप्ट आता है बच्चों पहले हम लोग समझते हैं देखिए अगर केवल पढ़ना हो रटना हो तो आप किताब से भी रट सकते हैं लेकिन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में बच्चों कौन कौन से आते हैं इसका तब तक आंसर आप दीजिए कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें है बच्चों फंजाई की प्लांट्स की इंसेक्ट की बैक्टीरिया की तब तक हम लोग बता देते हैं कि पालातम मोनेरा ठीक है ना दूसरा कौन होता है बच्चों प्रोटिस्टा तीसरा कौन होता है बच्चों फंजाई और चौथा कौन होता है प्लांटेई और पांचवा बच्चों एनिमेलिया तो ये जो बच्चों वीटेकर्स का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था और आपको बताना है बच्चों कि एनिमल और प्लांट का जो किंगडम का जो ये डिवाइड हुआ है बच्चों क्लासिफिकेशन हुआ है इसमें से सबसे बड़ा कौन है जो आपके सामने ऑप्शन में दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में एक फायदा ये होता है बच्चों सब कुछ आपके सामने दिया रहता है बच्चों ठीक है ना तो चलिए काफी पहले हम लोग टेक्स की डिफिनेशन जाने टेक्सनॉमिक के फादर कार्लिनियस थे और जो सबसे प्रमाणित माना गया बच्चों विटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया मोनेरा एंड एनिमेलिया तो इन टर्म्स ऑफ नंबर द लार्जेस्ट फाउंड एंड आइडेंटिफाइड सो फार इज फ्रॉम एमाग द अब बताइए कौन है बच्चों सबसे बड़ा कौन है तो इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स का जो ग्रुप है बच्चों वो सबसे बड़ा है संख्या में ठीक है ना इंसेक्ट्स का जो ग्रुप है वो सबसे संख्या में बड़ा है चलिए स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों मेंटेन रखना जरूरी है बच्चों ठीक है तो समझते हुए थोड़ा सा गति पर भी ध्यान देना है अब चलते हैं ये पहला क्वेश्चन था थोड़ा सब चीज़ को डिफाइन करना था थोड़ा समझना था चलिए आगे चलते हैं ट बिलोंग टू द ग्रुप इंसेक्टा विच इज अस ऑफ फाइलम आर्थोपोडा क्लास इंसेक्ट रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड स्पेसिज कहने का मतलब की बच्चों इसमें इनकी संख्या जो है सबसे ज्यादा है इंसेक्ट्स की ओवर वन पॉइंट फाइव मिलियन लिविंग एनिमल स्पेसिज हैव बिन डिस्क्राइब ऑफ विच अराउंड वन मिलियन आर इंसेक्ट्स ये प्रजातियाँ हैं बच्चों ठीक है ना लिविंग एनिमल्स वन पॉइंट फाइव मिलियन लिविंग एनिमल्स ये प्रजाति है न कि संख्या है बच्चों ठीक है ना जिसमें से वन मिलियन क्या है बच्चों इंसेक्ट्स हैं डेढ़ जब वन पॉइंट फाइव मैंने डेढ़ मिलियन अगर आपके पास हो बच्चो तो उसमें वन मिलियन क्या है इंसेक्ट्स हैं चलिए क्वेश्चन नंबर दो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने अमीबा प्रोड्यूसेज बाय फ्यूजन फ्यूजन एंड फ्यूजन दो आए शायद बच्चों केमिस्ट्री में मिसलेनियस वाले में हम लोग पढ़े थे तो एक सिद्धांत होता है जिस पर परमाणु बम काम करता है और इस पर एक, एक पर हाइड्रोजन बम काम करता है आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे फ्यूजन और फ्यूजन संलयन और विखंडन तो इसमें कह रहा है कि अमी अमीबा रिप्रोटीसेज बाई फ्यूजन फ्यूजन मीन्स क्या होता है बच्चों विखंडन तो ये बच्चों ये बात सही है अभी मैं इसको आपको फिगर से क्लियर करूंगा अमीबा रिप्रोड्यूसेज बाय फिजन ुलर यूनिसेलुलर ऑर्गनिज्म रिप्रोड्यूस बाई अक्सुअल मेथड तो ये कह रहा बच्चों कि अमीबा जो बच्चों फिजन के द्वारा विखंडन करता है और सभी एक कोशिकीय जीव जो है बच्चों असेक्सुअल अलैंगिक जनन करते हैं अलैंगिक जनन में ये होता है बच्चों कि मेल और फीमेल वो बच्चों एक का फर्टिलाइज नहीं करते हैं। तो ये भी बात सही है जब एक कोश की सही होता है और ये इसलिए कारण जो बच्चों कथन का अमीबा भी एक कोश की जीव है ठीक है ना बच्चों तो एसर्सन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हमिमा में भी अलैंगिक जनन होता है और कोशगी होते हैं उनमें भी होता है बच्चों तो कहने का मतलब यह है कि ये दोनों एक दूसरे का दोनों करेक्ट हैं और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं रीजन जो एसर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है, है। चलिए तो देखिए हम आपके लिए एक फिगर भी लेकर आके आए इसको फिर मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा यहां पर इस एक पर पूरे कंप्लीट पर फिगर दिखा दिया आपको ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक है ना तो चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग इसको पढ़ लेते हैं ये है बच्चो अमीबा ये अमीबा है बच्चों ठीक है ना अमीबा में बाइनरी फ्यूजन देखिए पहले ये पैरेंट सेल है न्यूक्लियस है न्यूक्लियस ऐसे ऐसे बढ़ता है कि न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाता है बच्चों ठीक है ना एक ये और एक ये ऐसे ऐसे करते करते इसमें दो डाटर सेल्स बन जाते हैं तो कहने का मतलब इसमें जो है बाईफ्यूजन के द्वारा रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन मीन्स इंक्रीज इन पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन मीन्स इंक्रीज इन पॉपुलेशन तो अब ये देखिए क्या बच्चे ये इश्ट है ईश्ट में बर्डिंग के द्वारा होता है बच्चों बर्डिंग इन ईश्ट ये दोनों इनिसेलुलर ऑर्गनिज्म है बच्चों तो अब बायोलॉजी में बच्चे अच्छे से समझ कर चलना हो क्योंकि बायोलॉजी में विदाउट फिगर जो है चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो अमीबा और ईश्ट जो ये देख रहे हैं बच्चों इसमें बच्चों फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है हो और इसमें बर्डिंग के द्वारा देख रहे हैं कि धीरे धीरे चलते चलते यहां से अभी कटने के लिए तैयार हो गई बड़ तैयार हो गई है सारे बच्चों तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको देखते हैं क्या कह रहा है अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच हैज द एबिलिटी टू एल्टर इट्स प्राइमरली बाई एक्सटेंडिंग एंड रिट्रैक्स रिट्रेसिंग एक्सटेंडिंग एंड रिट्रेसिंग सीडोपोड्स अमीबा में सीडोपोड्स पाया जाता है बच्चों ये पूछता है बच्चों ठीक है ना कि अमीबा में सीडोपोड्स पाया जाता है कि नहीं ये पूछता है तो ये सीडोपोर्ट्स के द्वारा बच्चों अपने रूप को क्या करता है चेंज करता है अमीबा रिप्रोड्यूसेज बाई फीजन तो ये विखंडन के द्वारा बच्चों रिप्रोडक्शन करता है ये चीज आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटे से में लगा दें ताकि आपको इमेज भी दिखती रहे देख रहे हैं कि दो डाटर सेल्स बन गए हैं अब देखिए बाइनरी फिजन इज ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रैक्टिस बाई यूनिसेलुलर ऑर्गनिज्म इन विच द पेरेंट सेल डिड्स इंटू टू डाटर सेल्स Generally unicellular organisms reproduce by asexual method only, while some unicellular eukaryotes like Paramecium are capable of both asexual and sexual reproduction. कहने का मतलब कि generally सभी एकॉस्की जीव जो है बच्चों क्या करते हैं? Asexual reproduction करते हैं, लेकिन एक अपवाद सब चीज का होता है बच्चों पैरामीशियम जो है बच्चों ये यूनिसेल सेलुलर है बच्चों ठीक है ना एक है उसके साथ उसके साथ साथ बच्चों ये बोथ दोनों दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन करता है सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो <coughs> जनरली कहने का मतलब कि आप समझ गए बच्चों देखिए अमीबा में फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है और इष्ट में बडिंग के द्वारा और आल यूनिसेलुलर ऑर्गन रिप्रोड्यूस बाय फिजन एंड तो ये इतना कंसेप्ट रहा बच्चों और पैरामिशियम इज एक्सेप्शन ऑफ इस कंसेप्ट तो चलते हैं आप वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर दोज आर एबल टू कीप बॉडी टेम्परेचर दो प्रकार के एनिमल्स होते हैं बच्चों वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड तो आप बताइए बच्चों वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर दोज विच आर एबल टू कीप दियर बॉडी टेम्परेचर क्या करते हैं बच्चों किनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं तो पहले तो ये बताइए कि जो हम लोग हैं मानव है बच्चों वार्म ब्लडेड में आता है या कोल्ड ब्लडेड में इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कोशिश करिए जो आप लोग जानते हैं जो लोग जानते हैं वो बताएं जो लोग नहीं जानते वो लोग भी जान जाएंगे कोई गिल्टी की बात नहीं है हम लोग जानने के लिए तो पढ़ रहे हैं अब देखिए क्या कह रहा है विच आर एबल टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो बच्चे क्या करते हैं अपने बॉडी को लोअर देन एनवायरमेंट बॉडी टेम्परेचर को लोअर देन एनवायरमेंट आर देन एनवायरमेंट तो ये सब बताना है तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो बच्चों कांस्टेंट टेम्परेचर एट ऑल टाइम मानव भी बच्चों एक वार्म ब्लडेड एनिमल्स ही है कहा जाता है कि ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल कहा जाता है बच्चों कि ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल अगर मानव और जिसे ह्यूमन और एनिमल में क्या अंतर बच्चों ह्यूमन और एनिमल में अंतर यही है कि ह्यूमन सोशल है अगर ह्यूमन से जो आदमी ह्यूमन ही, सोशल ना हो वो टोटली एनिमल है ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल तो अगर जिस ह्यूमन से बच्चों सोशल हटा दिया जाए वो टोटली एनिमल है एक अच्छा कोट है बच्चों इसको आप याद रखिए ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या करते हैं बच्चों अपने बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखते हैं और मैन भी बच्चों क्या है ह्यूमन कह लीजिए ह्यूमन भी क्या है एक वार्म ब्लडेड एनिमल है और वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या करते हैं बच्चों जैसे आप हम लोग अपने पर ही लेते हैं जैसे ऐसा नहीं होता है कि ठंडी के दिनों में बहुत ठंडी ठंडक पड़ने से हमारे बॉडी टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है हमें ठंडक लगती है नो no डाउट लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर लो नहीं होता है हमारी बॉडी जो है इसीलिए हम लोग बच्चों कंबल और ये स्वेटर उटर पहनकर अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं और बॉडी अपने आप भी मैंटेन रखते जब बॉडी के मेंटेन करने की क्षमता से मैंने कोई चीज़ बाहर चली जाती है तभी हमें ठंड लगती है और हम बीमार पड़ते हैं तो उसी प्रकार से एनिमल्स में भी है लेकिन कुछ जानवर जो बच्चों कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनकी बॉडी स्वतः मेंटेन नहीं करती उनको एक्सटर्नली करना पड़ता है जैसे इसका सबसे उदाहरण है बच्चों बरसात के दिनों में आप मेढक देखते होंगे तो जब पहली बारिश होती है तो क्या होता है पहली बारिश होती है तो र, रात को बारिश हो और सुबह आदमी जगता है तो देखता है कि तालाब भरा हुआ है और उस तालाब में बच्चों इतने बड़े बड़े मेढक आ जाते हैं जो पीले रंग के होते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ऊपर से आए हैं जबकि ऐसा नहीं होता जो मेढक जो होते हैं बच्चों वो हाइबरनेट कर जाते हैं कहने का मतलब कि जैसे जैसे गर्मी का दिन आता है वो मैने मड़ के साथ कीचड़ के साथ नीचे ज़मीन में बैठ जाते हैं और अपनी सुरक्षा करते हैं क्योंकि ना ही वो गर्मी बहुत ज़्यादा सह सकते हैं ना ही बहुत ज़्यादा ठंडक सह सकते हैं तो क्या करते हैं बहुत ज़्यादा जब गर्मी होगी तो जमीन के अंदर मड में चले जाते हैं और इसीलिए उनका रंग पीला हो जाता है बच्चों देखिएगा कोई आदमी भी जैसे शहरों में देखते हैं कि लोग थोड़ा साफ हो जाते हैं उसका कारण क्या बच्चों कि उनके शरीर पर जो मान लीजिए और भी चीज़ें हैं लेकिन एक रीज़न ये भी है कि थोड़ा सा धूप का उनके शरीर पर ना लगना से शरीर का कलर जो है बच्चों थोड़ा एलोविस हो जाता है तो वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं देखिए हम लोग समझेंगे अब ठीक है ना चीज़ों को समझेंगे रटने से कोई फायदा नहीं है अगर रटना ही होता तो आप लोग किताब से रट लेते तो चलिए हम पहले आप लोग को दर्शन कराते हैं देखिए दीज आर वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड वार्म देखिए ये हम लोग हैं, इसके अंतर्गत बच्चों ये हम लोग हैं। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या करते हैं बच्चों अपने बॉडी टेम्परेचर को स्वतः मेंटेन रखते हैं स्वतः मेंटेन रखने का मतलब कि उनकी बॉडी खुद मेंटेन रखती है और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को बच्चों एक्सटर्नली मेंटेन करना पड़ता है ठीक है ना ये हमारे हैं बच्चों मेढक भाई तो ये जितने देख रहे हैं मछलियाँ भी देख रहे हैं ये सब चीज जो हैं तो वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में चलिए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे वहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा वार्म ब्लडेड क्रिएचर्स लाइक ममल्स एंड बर्ड्स आर एबल टू कीप दियर बॉडी एज कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर तो वार्म ब्लड एनिमल्स क्या करते हैं बच्चों अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाते हैं स्वतः उनकी बॉडी रखने की कोशिश करती है दे डू दिस बाई जेनरेटिंग दियर ओन हीट वेन दे आर इन ए कूलर environment एंड by कूलिंग themselves in इन ए हॉटर cooling कूलिंग देम सेल्फ कहने का मतलब गर्मी के दिनों में बच्चों हमारे शरीर से जो पसीने निकलते हैं वो क्या करती है शरीर अपने आप को कूल करती है पसीना निकाल कर इविपरेट करके बच्चों अपने आप को कूल करती है इन ए हॉटर इन्वायरमेंट दिस प्रोसेस ऑफ मेन्टेनिंग ए कंसिस्टेंट इन्वायरमेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड इनसाइड द बॉडी ठीक है ना बच्चों तो कहने के मत इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों कहते हैं ठीक है ना तो हम लोग तीन क्वेश्चन पढ़े बच्चों लार्जेस्ट इंसेक्ट हो गए और अमीबा और यूनिसेलर के बारे में पढ़े और तीसरा हम लोग कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड के बारे में पढ़े तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया और आप नहीं भूलेंगे एक स्लाइड पर बच्चों जो एक्सप्लेनेशन के साथ छोटे में फिगर है क्योंकि इसको भी दिखाना है इसको बहुत बड़ा कर देंगे तो आपको ये पढ़ने में नहीं आएगा लेकिन यहाँ पर आपको बड़े में दिखा दें ताकि आपको ये भी स्पष्ट रूप से दिख जाए ये सब दिख रहा है बच्चों बंदर भी मनुष्य भी पहले बंदर ही था ठीक है ना तो बंदर और हम भाई भाई हैं और गाय देख रहे हैं गाय माता को देख रहे हैं शेर को देख रहे हैं ये पक्षी को देख रहे हैं डाक को देख रहे हैं ये सब बच्चे अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन इंटरनली मेंटेन करते हैं चलिए आगे चलते हैं विच वन द फॉलिंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू आपके बगल में एक फिगर लगाया हुआ है बच्चों आपके हेल्प के लिए तो डिफरेंस बिटवीन ओवी एंड वीपेरस इसको थोड़ा सा बच्चों फिगर जो है अच्छे से तो आपको ये बताना है बच्चों कि इसमें बच्चों कौन नाट करेक्ट है हड़बड़ी में नहीं पढ़ना बच्चों कुछ दिमाग में रहना चाहिए अगर आपको रटना होता तो आप किताब से रट लेते ठीक है ना हम लोग जितना पढ़ेंगे अब आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको इसमें बताना बच्चों कौन नाट करेक्ट है ठीक है ना तो देखिए आल एकिनो डर्म्स आर वी वी पेरस तो वी वी पेरस और ओ वी पेरस में बच्चों डिफरेंस मैं यहाँ पर दिखाया हूँ आपको थोड़ा सा आपको समझने के लिए मैं बताऊंगा अभी तो यही बच्चों इनकरेक्ट है वी पेरस और ओवी पेरस में अंतर यह है बच्चों कि ओवी पेरस क्या करते हैं बच्चों पहले अंडा देते हैं एक एक्स देते हैं उसके बाद बच्चों उसको फर्टिलाइज करके उनके उसमें से उनके बच्चे आते हैं ठीक है ना और वीवी वी पेरस में क्या करते हैं बच्चों पहले कि सब अंडा वंडा फर्टिलाइज होकर अंदर से जब बाहर आता है बच्चों तो आपको सीधे बच्चे बाहर आते हैं ठीक है ना तो ये देख रहे हैं कि वीवी पेरस में बच्चों ह्यूमन भी है लायन भी है ये सब जो देख रहे हैं बच्चों कहने का मतलब कि और ओवी पेरस में कौन कौन है बच्चों देख रहे हैं कि चिकन जो है बच्चों पोल्ट्री और ये लिजार्ड है तो जो अंडे देने वाले प्रजातियां बच्चों उनको पेरस में आप इसको ऐसे याद रखिएगा अंडा गोल होता है ना तो ओसे ओवी पेरस और वी पेरस इसको आप समझेंगे क्योंकि शब्द तो याद रहते हैं बच्चों लेकिन कई बार शब्दों में कन्फ्यूजन हो जाता है तो राउंड ऑर्म हाइजनो सर्कुलेटरी सिस्टम ये बात सही है बच्चों इन बोनी फीसिज स्विम ब्लाडर इज इजी प्रेजेंट ये भी बात सही है बच्चों मछलियों में बच्चों प्रेजेंट होता है इन कार्टिलेज फाइव फिशेज इन कार्टिलेज कार्टिलेजियस फीसेज फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बी सी और डी बच्चों ये तीनों ऑप्शन सही हैं और ऑप्शन ए इनकरेक्ट है बच्चों ये वीवी वी पेरस नहीं होते बच्चों ऑल एकिनो डर्म्स आर वीवी पेरस ये बात गलत है बच्चों ये कैसे होते हैं ओवी पेरस होते हैं चलिए तो मैं आपको यहां पर लेकर आया हूं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं चलिए एकिनो डर्म इज अ कॉमन नेम गिवेन टू एनी मेंबर ऑफ द फाइलम एकिनो Dermata of the marine animals. The adults are recognized by their usual five points radial symmetry and include such well-known animals as starfish, sea urchins, sand dollars, and sea cucumbers. तो मोस्ट एनिमल्स ऑफ फाइलम इक्नोडर्मेटा आर ओवी पेरस जनरली बोला था ना बच्चों इसमें क्या कह रहा है मोस्ट एनिमल्स ऑफ द फाइलम इक्नोडर्मेटा आर ओवी पेरस मैंने अंडे देते हैं पहले उसके बाद बच्चे आते हैं ओनली सम ऑफ देम आर वीवी पेरस ओवी पेरस एनिमल्स अंडे देते हैं विथ लिटिल आर नो अदर इम्ब्रोनिक डेवलपमेंट विद इन द मदर तो ओवी पेरस और वीवी पेरस में बच्चों और हम लोग अंतर अच्छे से देखेंगे यहां पर क्या है बच्चों एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल्स आप ओवी पेरस एनिमल्स इंक्लूड फ्रॉग स्नेक लिजार्ड हेंस फिशेज फार्क पेंगुइन बटरफ्लाइज, आक्टोप इटिस ये जो बच्चों किसके उदाहरण बच्चों पेरस के, जो अंडे देते हैं अंडे देते हैं, ठीक है ना बच्चों और एग्जाम्पल्स आप वी पेरस एनिमल्स, ये सीधे बच्चे देते हैं बच्चों बच्चों को जन्म देते हैं डायरेक्टली तो इसमें कौन होते हैं वी पेरस एनिमल्स इंक्लूड ह्यूम बियर्स जिराब कैटल एंड समार्क सार्क सार्क बच्चों दोनों में आती है बच्चों ठीक है ना सम सार्क बच्चों सलामैंडर्स एंड सम फ्रॉग ई टी तो ये बच्चों दोनों में आते हैं चलिए और आगे अंतर देखते हैं बच्चों तो पहले बच्चों वहाँ पर एग्जाम्पल दिखाए हैं बच्चों ताकि आपको समझ में आए आप जोड़ पाए अपने डे बाई डे के लाइफ से और देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि और पेरस को किसको ओवी पेरस, पेरस कहते हैं बच्चों ठीक ना वीवी पेरस एनिमल इज एन एनिमल दैट प्रोड्यूसेज इज इग दैट लाटर हैज प्रोड्यूस यंग वंस आफ्टर बीइंग प्रोपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल का मतलब कि जब फीमेल्स के बच्चे बाडी से पहले अंडे आते हैं उसके बाद उनको हैच किया जाता है तब बच्चे निकलते हैं और वीवी -वी पेरस एनिमल्स में क्या होता है बच्चों एनिमल इज एन एनिमल दैट डेवलप्स एन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल बच्चे बच्चों भ्रूण जो है एनिमल के इनसाइड से आते हैं रिजल्टिंग इन द लाइव बर्थ ऑफ यंग वन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है बच्चों इन दो एनिमल लेज टू यंग वंस उनको हैच किया जाता है बच्चों अंडे से, सेना को बच्चों है, हैच कहते इसको अं, हिंदी में सेना कहते हैं बच्चों लोकल लैंग्वेज में ओवी एनिमल गिव डायरेक्ट पर टू यंग वी पेरस में बच्चों डायरेक्ट बच्चे पैदे होते हैं ओविपेरस एनिमल्स माइट अंडरगो इंटरनल और फर्टिलाइजेशन ओविपेरस में बच्चों इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों फर्टिलाइजेशन होता है और एनिमल रिप्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो जो <coughs> एनिमल्स जो बच्चों जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों वो ईवी वी वी में बच्चों कंप्लीटली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है चलिए आगे चलते हैं तो न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलता है इम्ब्रियो रिसीव न्यूट्रिएंट्स वाया एक योल्क जो उसमें बच्चों अंडे होते हैं उसी से बच्चे इम्ब्रियो अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं इम्ब्रियो रिसीव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर थ्रू द प्लसेंटा और सिमिलर स्ट्रक्चर ये बच्चों मदर में बच्चों जो मानव में बच्चों महिलाओं में बच्चों मैंने जो बच्चे होते हैं गर्भ के अंदर होते हैं उनको किस चीज़ से किसके माध्यम से उनका उन भोजन मिलता है प्लस के माध्यम से ये चीज भी पूछा जाता है ठीक है ना डेवलपमेंट ऑफ जाइगुट डेवलपमेंट ऑफ जाइगुट आकर्ष आउटसाइड द बॉडी ऑफ मदर डेवलपमेंट ऑफ जाइुड आकर्ष विद इन द पार्टी ऑफ़ मदर और चांसेज ऑफ सर्वाइवल जाहिर सी बात है बच्चों जिसका जन्म बाहर होगा उसकी सर्वाइव की चांस कम होगी क्योंकि उसको जो वातावरण चाहिए कोई जरूरी नहीं कि हमेशा वो मिले ठीक है ना चांसेज ऑफ सर्वाइवल ऑफ़ यंग वंस इज कम्परेटि लेस एज एग आर लेड इन द इन्वायरमेंट वेयर दे आर प्रोन टू वियस स्टेटर्स कहने का मतलब कि जब अंडे बच्चों शरीर से बाहर आ जाते हैं तो उनको बहुत खतरा होता है इसलिए उनके सर्वाइव करने के चांस बच्चों बहुत कम होती है अब देखिए चांसेज ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज कंपरेटिवली मोर आज दे आर प्रोटेक्टेड इन साइड द बॉडी ऑफ मदर विथ ए सफिशेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जाहिर सी बात है बच्चों आप इन सब चीज़ों को आप समझ रहे हैं चलिए आगे चलते हैं हार्ड कवरिंग डेंजर टू मदर देखिए डेंजर टू मदर मदर देखते हैं बच्चों बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट चाइल्ड बर्थ मदर इज नॉट एट रिस्क जो जो जंतुए बच्चों डायरेक्ट अंडे देते हैं उसमें मदर को रिस्क नहीं रहता है बच्चों ठीक है ना बच्चे जन्म देते समय मदर को रिस्क नहीं रहता है द मदर माइट बी एट रिस्क ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड चाइल्ड बियरिंग और चाइल्ड बर्थ तो जो जानवर बच्चों डायरेक्ट जो बच्चे देते हैं उनको माता को रिस्क रहता है हार्ड uh, कवरिंग तो आप जानते हैं बच्चों के अंडे पर बच्चों हार्ड कवरिंग होती है और रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन ओवर एनिमल आकर एट द टाइम देयर इज फिशियंट फूड अवेलेबल फॉर इम्ब्रियो और पेरेंटल केयर वी पेरस एनिमल लुक आफ्टर दियर एग आफ्टर लिविंग देवर बच्चों अंडे देते हैं वो अंडे देने के बाद अपने अंडे की केयर करते हैं सम वी पेरस एनिमल सो पेरेंटल केयर आफ्टर बर्थ वाइल्ड अदर्स डू नॉट करने के मतलब जो जानवर होते हैं बच्चों कई जानवर ऐसे होते हैं जो बच्चे देने के बाद अपने बच्चे का केयर करते हैं और कई जानवर अपने बच्चे को केयर नहीं करते हैं चलिए अब पचमे नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं आप द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए फिश ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बच्चों इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन एक जो बच्चों फिश नहीं है तो आप स्टार फिश स्टार फिश स्टार फिश का जो नाम सुनते रहते बच्चों ये रियली फिश की जो डिफिनेशन है उसका पालन नहीं करता है और ये फिश नहीं है ठीक है बच्चों स्टार फिश जो है फिश नहीं है और इसमें यही आपसे पूछा है कि नाट फिश इसमें कौन सा बच्चों फिश नहीं है तो ये आपको बताना है जबकि साफ फिश जो फिश है पाइप फीस भी है गिटार फीस भी है ये सब जो बच्चों फीस के एक प्रकार हैं, लेकिन स्टार फिश जो है मछली नहीं होती है बच्चों ये मछली की कैटेगरी में नहीं आती आप इसको याद रखेंगे बहुत ही चर्चित प्रश्न है बार बार पूछा जाता है और बच्चे स्टार फिश, स्टार फिश बच्चों बहुत छोटी क्लासों से ही सुनने लगते हैं और उसको फिश मान बैठते हैं जो ऑप्शन में गलत हो जाता है चलिए तो देखिए स्टार फिश पॉपुलरली कॉल्ड कॉल्ड सी आर रिलेटेड टू फाइलम एक्नोडर्मेटा वाइल्ड ट्रू फिश बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा जो बच्चों मछलियाँ होती हैं वो कार्डेटा फाइलम से बिलोंग करते हैं जबकि स्टार फिश जो बच्चों एक्नोडरमेटा फाइलम से बिलोंग करती है स्टार फिश डू नॉट हैच आर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिश कहने के मतलब स्टार फिश जो होती है बच्चों उसमें गिल्स नहीं पाए जाते हैं स्किल्स नहीं पाए जाते हैं इनको फिंस भी कहते हैं इसीलिए इसको फिश की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रू फिशेज यहाँ पर मैं आपको पूरी लिस्ट दे दे रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना करें सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रू फिशेज तो ट्रू फिशेज के बच्चों एग्जाम्पल कौन कौन से हैं शार्क भी है शार्क जो मछली होती है बच्चों ये ट्रू फिश है टाग फिश है स्टर्जन भी फिश है ट्यूना भी फिश का एक प्रकार है सार्डाइन भी फिश है सालमन भी फिश है हेरिंग भी फिश है बच्चो ठीक है ना तो आप इसको रखेंगे ये ट्रू फिश है ये मछली के प्रकार है बच्चो ये मछली के प्रकार है और स्टार फिश एक मछली नहीं है क्योंकि इसके अंदर गिल्स नहीं पाए जाते हैं नहीं पाए जाते हैं को कहते हैं और जो मछलियाँ जो होती है बच्चों कार्डेटा फाइलम से बिलोंग करती हैं जबकि स्टारफिश जो है एक नोडर फाइलम से बिलोंग करती है ये रहा चलिए आप द फॉलोइंग विच वन इज ट्रू फिश आपको बताना है बच्चों की इसमें कौन एक ट्रू फिश है तभी हम लोग ट्रू फिश की लिस्ट देखें हैं बच्चों आप इसमें बताइए कि कौन एक ट्रू फिश है आप फॉलोइंग विच वन इज ए ट्रू फिश बताइए बच्चों, तो बच्चों इसमें कैट जो है कैट फिश जो बच्चों ट्रू फिश है बाकी का जो ये फिश के अंतर्गत नहीं, नहीं आते हैं जेली फिश क्राई फिश सिल्वर फिश ये फिश के अंतर्गत नहीं आते हैं जबकि कैट फिश जो है एक ट्रू फिश है पीसीएस में उत्तराखंड पीसीएस में टू थाउजेंड टू का ये क्वेश्चन है बच्चों ठीक है ना चलिए आगे चलते हैं ये वही चीज दिया है सिल्वर फिश आर नाकटर्नल इंसेक्ट नाकटर्नल उनको कहते हैं बच्चों जो रात में चलते हैं और दिन में बच्चों सोते हैं ठीक है ना सिल्वर फिश आर नाकटर्नल इंसेक्ट दियर एपडोमेन और क्रे फिश आर ऑल्सो नॉन एच क्राफिश और देखिए जेली फिश इज ऑल्सो नॉन एज ऑरिलिया दे आर क्लासिफाइड एज फ्री स्विमिंग मेराइन एनिमल कंसिस्टिंग ऑफ ए जिलेटिनस अम्ब्रेला सेफ्ट बेल और कैट फिश क्या बचो नेम फार दियर प्रामिनेंट बारबल्स विच रिसेम्बल्स ए कैट्स विस्कर्स काने के मतलब जिस तरह से मन बिल्ली के मुछे होते हैं बच्चों उससे मिलने के कारण इसका कैट फिश नाम गया है कैट फिश रेंज इन साइज एंड बिहेवियर इसके अलग अलग रूप होते हैं बच्चों तो कैट फिश जो बच्चों एक ट्रू फिश है आपको यहाँ से ये चीज़ देखना था चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेवन बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फिश इसमें बताना है बच्चों कि कौन कौन एक ट्रू फिश है तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्टार फिश जो बच्चों एक ट्रू फिश नहीं है ठीक ना और जेली फिश भी अभी हम लोग देखे हैं कि ट्रू फिश नहीं है और जबकि डार्क फिश और सी हॉर्स ये दोनों ही बच्चों एक ट्रू फिश है तो इसका जो है दोनों ऑप्शन सी एंड डी दोनों करेक्ट होगा एग्जाम समय से प्रश्न आते हैं बच्चों जिनमें या तो प्रश्न ही गलत रहता है या दो दो ऑप्शन सही रहते हैं या ऑप्शन ही नहीं रहता है तो डार्क फिश और सी हॉर्स जो बच्चों ये ट्रू फिश है चलिए स्टार फिश और सी स्टार्स

हिपो विच इज ए बोनी फिश हिपो विच इज ए बोनी फिश जिसमें बोन्स पाए जाते हैं बच्चों हड्डियाँ पाई जाती हैं ठीक है ना तो इसको आप याद रखेंगे चलिए आगे चलते हैं तो डाक फिश और ये सी हॉर्स जो बच्चों क्या हैं बच्चों एक फिश है ट्रू फिश हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिश सी हॉर्स हिपो कैंपस विच आप दालोइंग इज फिश तो सी हार्स जो होता है बच्चों एक ट्रू फिश होता है और ये सब जो बच्चों सी काउ लायन ककुम्बर ये सब जो बच्चों क्या होते हैं ट्रू फिश नहीं है बस इनका नाम किसी प्रकार से मैच कर गया है तो नाम से मतलब नहीं होता बच्चों काम से मतलब होता है ठीक है ना तो सी हॉस जो बच्चों एक फिश है विच इज़ द लार्जेस्ट ममल विच इज द लार्जेस्ट ममल आपको बताना है बच्चों कि इसमें से कौन सबसे बड़ा ममल है तो पहले बच्चों ममल्स को कहते हैं आप इसका आंसर बताइए तब तक मैं आपको ये बताता हूँ कि किनको ममल्स किसको कहते हैं बच्चों। ममल्स में बच्चो ममेरिक्लैंड पाई जाती है जिसके द्वारा वो मिल्क अपने चाइल्ड को बच्चों मिल्क पिलाते हैं मिल्क प्रोड्यूस करते हैं ठीक है ना अपने चाइल्ड के लिए मिल्क प्रोड्यूस करते हैं तो वेल जो है बच्चों, वेल मछली जो है बच्चों, एक ममल है जो चाइल्ड को बर्थ करती है और उसको दूध पिलाती है और ये सब सबसे बड़ी ममल है बच्चों ठीक है ना साइज़ में सबसे बड़ी ममल होती है बच्चों वेल मछली वो बहुत बड़ी बड़ी होती है ये समुद्रों में पाई जाती है चलिए वेल्स आर द लार्जेस्ट ममल इवर नोन टू हैव लिव्ड ऑन अर्थ वेल्स रेंजिंग इन साइज फ्रॉम द ब्लू वेल्स लार्जेस्ट एनिमल नोन टू हैव इवर एग्जिस्ट एंड इसका बच्चों 180 टन से बड़ा होता है और ये थर्टी थ्री मीटर लॉन्ग होती है बच्चों ठीक ना और इसका टन इसकी वेट जो बच्चों एक सौ अस्सी टन तक हो सकता है तो वेल्स जो बच्चों सबसे बड़ा क्या है लार्जेस्ट ममल है और वेल्स के अंदर भी जब पूछा जाए बच्चों तो ब्लू वेल्स सबसे लार्जेस्ट ममल है जैसे मान लीजिए कि सभी ऑप्शन में वेल्स ही दे दे ब्लू वेल्स व्हाइट वेल्स ग्रे वेल्स तो जो ब्लू वेल्स जो होती है ब्लू वेल्स जो होती है बच्चों सबसे लार्जेस्ट होती है चलिए आगे चलते हैं तो वाट मेक्स एन एनिमल ए ममल किन एनिमल्स को बच्चों ममल कहते हैं ममल आर पर्टिकुलर क्लास ऑफ एनिमल व्हाट मेक्स एन एनिमल ए ममल आर फर्स्ट क्या है पहला क्या बच्चों सबसे मुख्य और पहला जो है बच्चों ये है बच्चों जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं दिस इज टू फीड दियर बेबीज सेकेंड क्या बच्चों दे आर वार्म ब्लडेड अभी हम लोग कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड पढ़े हैं बच्चों ठीक ना तो ममल्स जो बच्चों वार्म ब्लडेड होते हैं जैसे ह्यूमन भी बच्चों मानव भी एक ब्लडेड है और ममल है थर्ड क्या बच्चों आर ममल्स मतलब मानव शरीर पर भी बच्चों हेयर्स होते हैं ह्यूम आर ममल्स एंड सो आर डॉग्स वेल्स एलिफेंट्स हॉर्सेज ये सभी बच्चों क्या बच्चों ह्यूमन भी एक ममल है उसके बाद डाक भी ममल है वेल्स भी ममल है एलिफेंट भी ममल है हॉर्स भी ममल है मोस्ट ममल्स है टीथ विद द एक्सेप्शन ऑफ एंट ईटर एंट ईटर जो होता है बच्चों इसके पास टीथ नहीं होती जबकि ममल है विच डज़ नाट हैव एनी टीथ सभी ममल्स के अंदर बच्चों टीथ भी होता है लेकिन इसका एंट ईटर एक जानवर है बच्चों जो ममल है जबकि इसके पास टीथ नहीं होती है वेयर डू दे लिव ममल्स लिव इन आल शार्ट आफ इन्वायॉर्मेंट ममल्स जो बच्चों कहीं भी पाए जाते हैं क्योंकि चमगा दड़ भी एक ममल होती है और तो तो हवा में रहती है बच्चों इनकिन अंडरग्राउंड एंड ऑनलाइन सम ममल्स बैट्स चमगा दड़ फॉर एग्जाम्पल कैन इवेन फ्लाई तो बच्चों ममल्स जो होते हैं बच्चों फ्लाई भी कर, कर सकते हैं जिसका उदाहरण है बैट चमगादड़ जो बच्चों ममल के अंतर्गत ये है जो फ्लाई कर सकती है ममल के बारे में बच्चों कुछ रोचक तथ्य ये हैं कि जिराफ रेंज टंग इज ट्वेंटी इंच लॉन्ग एक जिराफ की जो बच्चों जीभ होती है ट्वेंटी फीट लंबी इंच लंबी होती है दे यू टू क्लीन दर्स इसका प्रयोग क्या करते हैं बच्चों अपने स्वयं अपने कानों को साफ कर लेते हैं ए हार्ड वर्किंग मोल a ए होल to हंड्रेड फीट डीप ओवर नाइट तो एक मोल जो है बच्चों एक नाइट में कितनी तीस फीट गहरी खाई खोद सकती है ए वेल्स हार्ट बीट्स वेरी स्लोली वेल जो मछली होती है बच्चों वेल्स के जो हार्ट होते हैं बहुत स्लो बीट करते हैं जैसे ह्यूमन हार्ट बच्चों वन मिनट में कितनी बार बीट करता है अप्रॉक्सीमेटली सेवेंटी टू टाइम्स ठीक है ना बच्चों उसी तरह से आइज स्लो आइज वन एवरी सिक्स सेकेंड तो सिक्स सेकेंड में बच्चों एक बार करती है तो सिक्स सेकेंड में एक मिनट में कितना हो गया टेन तो बच्चों व्हेल का हार्ट जो बच्चों बच्चो, बहुत स्लो बीट करता है देयर आर ओवर इतने स्पेशल इवें दो इट हैज ए हम्प केमल स्पाइन इज स्ट्रेट चीता चीता भी एक ममल है चीता का रन आज फास्ट एज सेवेंटी मील्स पर आवर चीता जो है बच्चो सेवेंटी मील्स पर आवर रन कर सकता है तो ये सब इंटरेस्टिंग फैक्ट रहा बच्चों फन फैक्ट्स अबाउट ममल्स चलिए आगे चलते हैं फ्राम ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डॉज द वेल बिलोंग वेल जो मछली बच्चों किस ग्रुप से बिलोंग करती है तो अभी हम लोग पढ़े हैं बच्चों की वेल्स क्या होती है बच्चों मामल्स होती है ठीक है ना और ममल्स किनको कहते हैं ये भी मैं आपको डिटेल में बता दिया हूँ देखिए वीडियो को लाइक करके शेयर करिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मित्र तक पहुँचे और सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और ये हमारे लिए भी मोटिवेशन का काम करता है बच्चों देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड विदाउट सेल्फ कहने का मतलब कि इस दुनिया में कोई भी बिना स्वार्थ के नहीं है जब कोई भी नहीं है तो हम भी नहीं हैं चलिए इलेवन नंबर क्वेश्चन बताइए विच वन इज ए ममल आपको बताना है कि कौन बच्चों इसमें ममल है तो हम लोग देख चुके हैं कि व्हेल मछली जो बच्चों एक ममल होती है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज द लार्जेस्ट ऑफ द ट्रूथ द वेल्स ममल्स के अंदर बच्चों जैसे वेल्स जो क्या थी एक ममल थी बच्चों वेल्स एक ममल है और इवरी ममल है जो टूथ इसका एंट एंटबियर बच्चों क्या था अपवाद था तो टूथ डे वेल है बच्चों इसमें से लार्जेस्ट कौन सी है मैं आपको बताया था इस प्रश्न का उत्तर बताते समय बच्चों पीछे जो है बताया था कि टूथ डे वेल हो जो बच्चों उसमें लार्जेस्ट कौन सी होती है तो जो ये स्पर्म वेल होती है बच्चों, स्पर्म वेल ये सबसे क्या होती है दांत वाली वेल्स के अंतर्गत बच्चों सबसे लार्जेस्ट होती है ये यूपीपीसीएस प्री री एग्जाम टू थाउजेंड फिफ्टीन का क्वेश्चन है चलिए स्पर्मवेल इधर लार्जेस्ट आप टूथड वेल्स थ मेल्स ग्रुपिंग अप टू ट्वेंटी मीटर्स इन लेंथ मास ऑफ स्पर मेल रेंजेज थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव टन फीमेल ओनली वेट वन बाई थ्री ऑफ द मेल्स तो कहने का मतलब बच्चों देखा जाता है कि महिलाओं का वजन जो बच्चों पुरुष से कम होता है ये केवल ह्यूमन में भी नहीं है बच्चों ये मछलियों में भी है देख रहे हैं फीमेल्स ओनली वेट अबाउट वन बाई थ्री ऑफ मेल्स तो जो फीमेल मछली होती है बच्चों उसका जो है मेल के वेट का वन बाई थ्री होता है विच एमंग फॉलोइंग वन लेज इक्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली आपको बताना है कि अभी हम लोग बच्चों इससे पहले क्या पढ़े थे ओवी पेरस और वीवी पेरस ओवी पेरस और वीवी पेरस एनिमल्स में क्या अंतर था बच्चों ओवी पेरस क्या करते थे एक देते थे और ये बच्चों डायरेक्टली चाइल्ड तो आपको ये बताना है कि विच एम द फॉलोइंग वन लेज डज नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली तो इसमें बताना है बच्चों कि कौन है इसमें अंडा नहीं देता है डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है बताइए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए तो एकिडना और प्लेटिपस एकिडना और प्लेटिपस बच्चों तो ऐसे बर्ड्स हैं जो डायरेक्ट जो किसको बच्चे को जन्म देते हैं एकिडना एंड प्लेटिपस दो ऐसे बर्ड्स बच्चों जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं चलिए आगे चलते हैं ये रहे हमारे एकिडना भाई एकिडना ये देख रहे हैं ये जो जानवर दिख रहा है सब ये एकिडना का है नोन एज स्पिनी एंटीटर्स आंटर्स बिलोंग टू द फैमिली तो बच्चों क्या है एकिडना और प्लेटिपस चलिए हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखते हैं क्या कह रहा है एकिडना कीडना समाइम्स नोन एज स्पिनि एंट ईटर्स बिलोंग टू फैमिली और आप एग लेइंग ममल एग लेंग ममल्स द फोर एक्सटैंट स्पेसिस टूगेदर विद्लेप आर द ओनली सरवाइविंग में डाइट कंसिस्ट ऑफ आंट चीटी टर्माइट बट दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड विद द ट्रू आंट इटर्स ऑफ अमेरिका दे ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनी ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं बच्चों तो क्वेश्चन क्या था बच्चों कि एक जो बच्चों, ये डायरेक्टली जो क्या करता है विच एमंग फॉलोइंग गड़बड़ हो गया क्या बच्चों नॉट। विच एमंग फॉलोइंग ऑन लेज एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली तो इसमें बच्चों एकिडना और प्लेटिपस जो क्या है बच्चों थोड़ा सा करेक्ट उसको कर लेते हैं एकिडना एंड प्लेटिपस प्ले टिपस प्ले जो होता है बच्चों एकिडना और प्लेटिपस क्या करते हैं बच्चों ये दोनों क्या हैं ममल हैं और ममल होने के साथ साथ क्या करते हैं बच्चों ये पहले अंडे देते हैं उसके बाद बच्चे देते हैं ठीक है ना जबकि मैक्सिमम मामल्स जो क्या करते हैं बच्चों डायरेक्टली चाइल्ड बर्थ करते हैं तो और प्लेटिपस जो बच्चों नॉट प्रोड्यूस यंग क्या कर रहा है कि नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली कौन था बच्चों एकिडना था ठीक है ना चलिए ममल्स कैपेबल इन फ्लाइंग इज कौन सा ममल जो बच्चों फ्लाई करने में कैपेबल है उड़ने में कैपेबल है कौन सा ममल बच्चों उड़ने में क्या है कैपेबल है तो बच्चों ये बैट जो होती है चमगादड़ क्या होती है ये मामल है ये बच्चे को दूध पिलाती है अपने ठीक है ना और ये उड़ने में क्या बच्चों समर्थ है चलिए birds are mammals, are four limbs, have webbed wings जिसको इसके ये भी पूछा जाता है बच्चों कि चमगादड़ में बच्चों पंख के रूप में जो विकसित होता है क्या होता है फोर लिम्स होता है बच्चों आगे वाले जो हम लोग के हाथ कह लीजिए वो चमगादड़ में पंख काम करते हैं मेकिंग द ओनली ममल्स नेचुरली कैपेबल ऑफ ट्रू एंड सस्टेंड फ्लाइट बट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप एप्स चमगादड़ जो बच्चों बर्ड्स नहीं है पक्षी नहीं है ठीक है ना बेस्ट बिलोंग टू द ग्रुप एप चमगादड़ जो बच्चों एक पक्षी नहीं है ठीक है ना पक्षी का ये जो सारे पालन नहीं करती है ये द फॉलोइंग फ्लाइंग ऑर्गेज विच वन डज नॉट बिलोंग टू द दीस क्या होता था बच्चों बर्ड नाट इसमें से आपको बताना है कि बच्चों कौन बर्ड नहीं है बच्चों तो इसमें से कौन बर्ड है जो उड़ती भी है लेकिन चिड़िया नहीं है हम लोग तो अब तक ऐसा यही सुने थे बच्चों की सभी उड़िए उड़ने वाली जानवर जो बच्चों चिड़िया हैं बर्ड्स हैं लेकिन हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो चमगादड़ जो बच्चों बैट जो है उड़ती है लेकिन क्या है बच्चों पक्षी नहीं है पक्षी के कैटेगरी में नहीं रखा गया बच्चों जब आप माइनूटली इन सब चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ठीक है ना तो उतनी माइन्यूटली हम लोग जा नहीं सकते हैं बच्चों ठीक है ना हम लोग को जनरल साइंस पढ़ना है स्पेशल साइंस नहीं पढ़ना है हम लोग को बायोलॉजी में रिसर्च नहीं, नहीं करना है तो हम लोग अपना जनरल स्टडी करके काम चला लेते हैं कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स जो ये एनिमल्स हैं इस पर विचार कर रहे विच ऑफ आर मामल। आपको ये बताना है बच्चों कि इसमें कौन जो है बच्चों मामल है मामल्स का मतलब क्या होता है अपने बच्चों को दूध पिलाती है बताइए तो इसमें बच्चों सी काऊ और लायन। आप जानते हैं बच्चों काऊ भी अपने बच्चे को दूध पिलाते है और लायन भी तो अपने बच्चे को दूध पिलाता है ये दोनों बच्चों 1 एंड 3 आर मैमल्स एंड सेकंड इज नॉट अ मैमल सी हर एक मैमल नहीं है तो 1 एंड 3 अब किस में किस ऑप्शन में दिया हुआ बच्चों ऑप्शन बी में दिया हुआ है ठीक है ना <coughs> तो काऊ और लायन बोथ फीड देयर यंग्स मिल्क क्या कह रहा है बच्चों सी काउ बच्चो इज एज हरबीओरस सी एनिमल कैसा बच्चो हरबीओरस सी एनिमल सी हॉर्स इज ए स्मॉल स्पीपी से लाइन इज आल्सो ए ममल लायन इज आल्सो ए ममल तो क्या बच्चों कौन कौन ममल हो गया का सी काउ ममल हो गया और लायन भी ममल हो गया हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट तो सी हार्स एक ममल नहीं है बच्चों ठीक है ना काऊ और आप ऐसे भी जानते हैं ये मामला है डालफिन डालफिन जो मछली होती है बच्चों उसको तो किस कैटेगरी में रखा जाता है डालफिन जो मछली होती है बच्चों किस कैटेगरी में रखा जाता है डालफिन को भी ममल की कैटेगरी में रखा जाता है बच्चों ये ममल से ये भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है डाल्फिन इंडिया में पाए जाते हैं गैंगेटिक डालफिन जो बच्चों भारत की क्या है राष्ट्रीय जल, जली जीव है नेशनल एक्वाटिक एनिमल ये गंगा में पाई जाती है बच्चों तो डाल्फिन मछली जो बच्चों नेशनल एक्वाटिक एनिमल है इंडिया की और ये ममल्स है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है क्या कह रहा है आर हाईली इंटेलिजेंट एक्वाटिक एनिमल्स मम्मल्स ये बहुत ही बुद्धिमान होती है बच्चों ठीक है ना डाल्फिन मछली जो बच्चों बहुत ही बुद्धिमान होती है एंड आर पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ टूथ डिवेल्स ये डिवेल्स का पार्ट है दे आर फाउंड वर्ल्ड वाइल्ड मोस्टली इन सैलो सीज ऑफ द कंटिनेंट सेल्फ एंड आर कार्नियोरस ये मांसाहारी है बच्चों ठीक है ना मोस्टली ईटिंग फिश एंड स्क्विड्स ये क्या करती है छोटी छोटी मछलियों को खाती है इंडिया हाई डिक्लेयर्ड गंगा डाल्फिन एज नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया मैं आपको बता रहा था ना इंडिया हाइज डिक्लेयर्ड गंगा डाल्फिन एज नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया तो गंगा की जो डाल्फिन है इसको बच्चों भारत की एनिमल घोषित किया गया ये बहुत तो बुद्धिमान होती है कार्नियोरोस होती है चलिए क्वेश्चन नंबर एटीन पर चलते हैं फ्रॉम ऑप्शन सी ए, सील इज द स्पेसीज ऑफ सील बच्चों किसकी स्पेसीज आपको ये बताना है सील जो है बच्चों मामल्स के अंतर्गत आती है सील जो है बच्चों सील एक मछली है वो मोमल्स के अंतर्गत आती है आगे चलते हैं ये है सील मछली ठीक है ना देख रहे हैं कि समुद्र से निकलकर क्या कर रही है रेत पर सैंड पर क्या कर रही है आराम कर रही है तो ये एम्फीबिया नहीं बच्चों ठीक है ना सील्स आर सेमी एकवाटिक ममल क्या दिया बच्चों सेमी एकवाटिक सेमी मैने ये जल और थल दोनों में रहती है इसको एम्फीबियन भी कर सकते हैं दे आर इन ए ग्रुप कार्ड पाइनपेड्स मीन्स फाइन फूटेड दे आर इन ए ग्रुप कार्ड पाइन पेड्स मींस फाइन फूटेड आल सील्स आर कार्डियोरस Their diet of mostly feces, cretaceous, cretaceans, cretaceans and फिशे क्रेटास मतलब की इतनी बड़ी मछली है जाहिर सी बात है छोटी छोटी मछलियों को तो निकल जाती होगी ऐसे तो सिल्स आर सेमी एक्वाटिक mammal, एम्फीबियन amphibia आर amphibia क्या होते हैं बच्चों एमफीबिया ये इसका प्लूरल है बच्चों ठीक है ना इसीलिए आर लगाया यह यह भी है ये प्लुरल, प्लुरल होता है बच्चों तो प्लू एम्फीबियन जो हम लोग पढ़ते हैं एम्फीबियन सिंगुलर है ठीक है ना और एम्फीबिया है ये प्लूरल है एम्फीबिया आर एम्फीबिया कौन से होते हैं बच्चों एनिमल्स लिविंग इक्वली इन वाटर एंड एनिमल्सली सीखिए इन वाटर एंड ऑनलैंड जो इन वाटर एंड ऑनलैंड इन दोनों जगह उनको एम्फीबियंस कहते हैं दर्ल्ड एम्फीबियन इज डेराव फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक टर्म एम्फीबियस विच मीन लाइफ बहुत द टर्म वाज इंसिली यूज एज ए जनरल ऑब्जेक्टिव फॉर एनिमल्स डेट वुड लिव ऑन कहने के मतलब जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं बच्चों उनको एक्टोथर्म्स भी कहते हैं ब्लडेड एनिमल्स मीन्स दे आर अनेबल टू रेगुलेट दियर बॉड ओन बॉडी टेम्परेचर ने का मतलब कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को स्वतः जो बच्चे रेगुलेट नहीं, नहीं कर पाते हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है और मानव जो बच्चों वार्म ब्लडेड एनिमल्स और वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में क्या अंतर होता है बच्चों वही बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला अंतर है वार्म ब्लडेड कर पाते हैं और कोल्ड ब्लडेड अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं वयालिस क्रोकोडायल इनको हिंदी में कह लीजिए बच्चों घड़ियाल गवियालीस क्रोकोडाइल आर मोस्टली फाउंड इन घड़ियाल बच्चों कहाँ पाए जाते हैं भारत में सब नदियों का नाम दिया है आप ये बताइए घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं तो बच्चों ये बच्चों गंगा में पाए जाते हैं ठीक है ना घड़ियाल से जो बच्चों गंगा नदी में पाए जाते हैं चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं यही है हमारे घड़ियाल भाई ठीक है ना तो घड़ियाल दीघड़ियाल अल्सो नोन एच गवियालिस इज ए क्रोको डालियन फैमिली फाउंड इन गंगा रिवर तो वही बच्चों घड़ियाल गवियालिस ये सब नाम दिया बच्चों इसको ये गंगा में पाएते हैं द लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल इज फाउंड इन बांग्लादेश नेपाल एंड इंडिया बांग्लादेश और नेपाल इंडिया में बच्चों ये पाए जाते हैं ठीक है ना ये घड़ियाल भाई हैं आप इनको देख लीजिए आराम कर रहे किनारे पर निकल करके तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए सब्सक्राइब करके बगल में दी हुई घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आज हम लोग बच्चों ट्वेंटी क्वेश्चन देखें हम लोग ठीक ना और इसी तरह से इसका जो बच्चों इसमें लगभग वन फोर्टी क्वेश्चन हैं हम लोग आगे और देखेंगे तब तक आज के लिए इतना ही धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में